नमस्कार, सेवन आई न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं विनोद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 127 निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द होने से परेशान छात्रों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से की मुलाकात, सीएम ने पुनर्विचार का दिया आश्वासन। भोपाल जेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट, प्रसूता की घटना को बताया दुखद, काम नहीं होगी पुनरावृत्ति। डबरा में लगातार अवैध उत्खनन जारी, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, शासन प्रशासन की मिली भगत से चल रहा पूरा कारोबार। दमोह में अवैध रूप से गांजा ले जा रहे चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,00,000 कीमत का गांजा किया बरामद। और देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, आईजी ने आरोपी इंद्रपाल पटेल पर 25,000 का इनाम किया था घोषित। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मुसीबत में नजर आ रही है। आज प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग कॉलेज के छात्र और छात्राएं पहुंचे। यह लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जिनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर इनका भविष्य अंधकार में चला गया है। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं सीएम से मिलने आए थे, लेकिन कुछ ही लोगों से सीएम मिले, जबकि आधे से ज़्यादा छात्रों को सीएम हाउस के करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। कमलनाथ सरकार ने 127 निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है, जिसके विरोध में ये छात्र मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने सीएम हाउस पहुंचे थे। छात्रों का आरोप है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 20 सत्र में इस तरह के निर्णय लेने से 127 निजी कॉलेजों के 14,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। छात्रों की मांग है कि इन रद्द कॉलेजों की मान्यता फिर से बहाल की जाए। इसके लिए उन्होंने सीएम कमलनाथ को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं कमलनाथ ने भी छात्रों के भविष्य को देखते हुए पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। सर, सीएम साहब से हम पिछले 5 बार भी मिल चुके हैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल भी मिल चुका है, लेकिन हर बार एक ही जवाब, चलो हम देखते हैं। आज चूंकि हम लोग बच्चों को लेके आए, लगभग 600 बच्चे हमारे साथ में जो कि प्रतिनिधि रहे हैं, और लगभग कम कम 100 टीचर हम लोगों के साथ में जो कि अब बेरोजगार होने के कगार पर हैं, और पूरा प्रकरण 25,000 बच्चे और लगभग 5,500 टीचरों का है जो कि बेरोजगार के कगार पर आ गए। सीएम साहब से मिल रहे हैं, सीएम साहब ने हमें शाम तक का बोला है, उनके ओएसडी ने, कि हम शाम को आपको फ़ोन करेंगे। हम दोनों का नंबर ले लिया है, और अभी हमें लगता है कि जैसा पिछली 5 बार बोला गया कि देखते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, वैसा ही हमें अब लगता है, लेकिन अब हम सड़कों पर सर आंदोलन करेंगे जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगी। प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसान कर्ज माफी को लेकर हमेशा से ही बीजेपी के निशाने पर रही है। इतना ही नहीं, अभी भी बीजेपी कमलनाथ सरकार को किसान कर्ज माफी के नाम पर घेर रही है। बीजेपी किसान कर्ज माफी को छलावा बता रही है। बता दें कि आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार कर्ज माफी की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार ने कहा था कि आचार संहिता हटने के बाद कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जिसकी प्रोसेस में सरकार लगी हुई है, लेकिन बीजेपी इस पर सरकार को घेरने में जुट गई है। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का मन नहीं है और ना ही इसको लेकर इनके पास कोई प्लानिंग है। सारंग ने साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि किसान का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ होगा, फिर भी आचार संहिता के बाद कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने तो कहा था कि 10 दिन में माफ कर देंगे, 56,000 करोड़ रुपए माफ करना था, उसका कोई प्रावधान ही नहीं रखा, बजट में केवल 5,000 करोड़ रुपए रखा, फिर कहने लगे आचार संहिता के बाद समाप्त कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि कर्ज माफ करने का मन होता, मंतव्य होता, तो बजट में प्रावधान तो करते, कहाँ से लाएंगे पैसा? आप 3 बार लोन ले चुके हो 6 महीने में, प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नौसिखियों के हाथ में, इसमें कहीं कोई भी ना प्लानिंग है और ना उसका इम्प्लीमेंटेशन। राज्य के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि आज होने वाली कैबिनेट में फिलहाल किसानों पर दर्ज मामलों का प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा कि अभी इस मामले में कार्रवाई चल रही है, जिसमें कुछ दिनों का टाइम लगेगा। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था पर होने वाली बैठक को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कसावट के लिए यह बैठक होने वाली है, जिसमें कि महिला अपराध पर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अगर कोई घटना होगी तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही होगी। हम लोगों ने उसका फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट कलेक्टर्स को पहुंच गया, वहाँ पर अप्लाई करेंगे और कितने केसेस ये आते हैं जो हमारे लेवल पे, कितने हम उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम वापस ले सकते हैं, कितने केसेस ऐसे हैं जो कैबिनेट में जाना चाहिए, उसका फॉर्मेट इजी टू इजी होना, मतलब इजी से इजी होना चाहिए, उसको बनाने का हम लोगों ने काम किया, तो वो हो चुका।
जिले में पुलिस जवानों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक जवान की मौत हो गई जबकि 16 अन्य जवान घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना बैतूल आशापुर मार्ग पर मोहदा के पास हुई। एसएएफ के जवानों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। ये जवान एसएएफ की 8वीं बटालियन के हैं। बस जवानों को छिंदवाड़ा से बुरहानपुर ले जा रही थी। छिंदवाड़ा से नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट राजधानी के जेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर एक महिला का प्रसव फर्श पर होने से मंत्री जी का कलेजा पसीज गया। बता दें कि कल एक प्रसूता ने फर्श पर बच्ची को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद ही बच्ची की मौत हो गई थी। इस घटना पर मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अब अस्पताल में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इससे पहले भी मंत्री जी 3 बार अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रसूता की घटना पर मंत्री जी ने कहा कि घटना दुखद थी, इसमें अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही उजागर हुई है। पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी कठिनाई आएगी मिल बैठकर समीक्षा कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कल की घटना दुखद है, मैं भी व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, मुझे भी उतना कष्ट है। हमारी छोटी बहन सुनीता राठौर जी भी परिवार वालों पर तो मुझे किसी के साथ ना हो पर ईश्वर से मांग। डबरा तहसील के बाबूपुर लिधौरा रेत घाटों से रेत का अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अवैध खनन के चलते पिछोर और आसपास के गांव का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पिछोर थाना के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र से प्रतिदिन करीब 100 से 200 गाड़ी रेत से भरी हुई निकलती हैं और रेत के खेल में पहले खूनी संघर्ष भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन है कि इन रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि इन रेत माफियाओं के तार बड़े अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, जिससे धड़ल्ले से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जबकि सूत्रों की माने तो 2 रेत खदानों को जिला कलेक्टर ने पहले ही निरस्त कर दिया है। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। सिंगरौली के ककर सिया झारा फड़ से सराई गोदाम जा रहे एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि जहां से ट्रक गुजर रहा था उसके ऊपर 11 kV बिजली का वायर ऊपर होने के कारण मिनी ट्रक करंट की चपेट में आ गया, जिसके चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की देर से पहुंचने के कारण पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक में तेंदुपत्ता भरा बताया जा रहा है। यह घटना सराई इलाके की है। सिंगरौली से शिवेंद्र धर की रिपोर्ट। दमोह में गांजा तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन तस्करों की गिरफ्तारी भी की जाती है। उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में इसे सप्लाई किया जाता है और यह दमोह से ही होकर ले जाया जाता है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर देहात थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 लाख रुपये का गांजा जब्त किया गया है। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि लगातार हो रही धरपकड़ के बाद अब इन पर कितनी लगाम लग पाती है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार देर रात 25,000 के इनामी अपराधी जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे इंद्रपाल पटेल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आईजी सतीश चंद्र सक्सेना ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किए जाने के बाद दमोह लाया गया, जहां पर पूछताछ की गई। उसका साथ देने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर अब एक आरोपी और शेष बचा है, जो 25,000 का इनामी अपराधी है और वह पथरिया विधायक रामबाई का पति है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की बात एसपी ने कही है। अब देखना यह है कि आरोपी गोविंद सिंह को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। प्रकरण क्रमांक 143/19 में देवेंद्र चौरसिया नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था थाना हटा क्षेत्र में, जिसमें 7 नामजद और अन्य आरोपी इसमें बनाए गए थे। उसमें एक मुख्य आरोपी इंद्रपाल पटेल इसमें थे, जिसके ऊपर आईजी सर ने 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये तब से फरार चल रहा था, इसको कल पुलिस ने पकड़ने में इनको सफलता पाई है। अजयगढ़ के धर्मपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरदी में
करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। अनंत कुशवाहा नाम का किसान बिजली का मोटर लगाकर खेत की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई करते वक्त ऊपर से बिजली का तार उसके ऊपर गिरने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक साल पहले ही किसान की शादी हुई थी। मृतक की पत्नी 6 माह की गर्भवती है। खेती किसानी से ही पूरे घर का भरण पोषण होता था। अचानक हुई इस घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। अजयगढ़ से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।